पीसीबी यानी कि मदरबोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले जो कनेक्टर्स लगे हैं वो सब रिमूव कर दो। कीपैड कनेक्टर, एलईडी कनेक्टर, येलो आईएस इज स्विच कनेक्टर एंड रेड एंड ब्लैक बैटरी कनेक्टर। एफआरसी केबल, डिस्प्ले वायर। उसके बाद जो शोल्डर पॉइंट है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट, वो डिसोल्डर कर दो। उसके बाद लोड सेल्स के वायर है वो डिसोल्डर कर दो। उसके बाद पीसीबी को निकाल लो। और नया पीसीबी लेके इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि बैटरी के जो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल बॉडी को शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। बैटरी टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स बॉडी को शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। अगेन सिंपली जो शोल्डर पॉइंट निकाले थे उसे अगेन सोल्डर कर दो, जैसे कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट। एंड लोड सेल के वायर। उसके बाद जो भी कनेक्टर निकाले थे, जैसे कि बैटरी एंड स्विच, इसको कनेक्टर को लगा दो उसकी जगह पे। कीपैड कनेक्टर, एलईडी कनेक्टर एंड डिस्प्ले कनेक्टर। इसी तरह से अपना पीसीबी, मेन सर्किट बोर्ड चेंज करके हो गया।